जरूर करना यहाँ आकर श्रीनगर में बोटिंग जरूर करना ब्रो। चार बंदे मैगी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये देखो बर्फ की कितनी बड़ी ऊंची वॉल है, कम से कम 20। हेलो गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना विवेक, तो काफी टाइम बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूं, बिकॉज हम जा रहे हैं लेह लद्दाख। हमें चार लोग और एकदम से प्लान बना, तो इसलिए जल्दी जल्दी से ब्लॉग कर रहा हूं। आज सुबह ही प्लान बना, तो गाड़ी की सर्विस वगैरह सुबह कराई, उसकी मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, तो जल्दी जल्दी मैं सर्विस वगैरह कराई, सब कुछ ब्रेक वगैरह चेंज कराए, और अभी हम रेडी हैं लेह लद्दाख के लिए। हम चार लोग हैं, लेह लद्दाख पहली बार जा रहे हैं चारों लोग, और बाय कार जा रहे हैं, एक्सयूवी कार है। तो इस सीरीज में पूरी में बने रहना, बस हम आधे घंटे में निकल जाएंगे घर से, पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया, अभी गाड़ी में सामान शिफ्ट करना है, तो आपको दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या सामान लेकर जा रहा हूँ मैं। बाकी पूरी सीरीज काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है, और हम श्रीनगर की ओर से जाएंगे और मनाली की ओर से आएंगे। अभी आज तारीख है अराउंड मेरे हिसाब से 14 तारीख है, 14 जून, तो बने रहना ठीक है। जैसा भी होगा आपको मैं बता दूंगा, अगर कोई भी लेह लद्दाख जाना चाहता है 2023 में, तो वो ये वाली वीडियो देख कर उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, बिकॉज हम भी पहली बार जा रहे हैं, तो बाकी जो पहली बार जा रहे हैं उसको पता चल जाएगा कैसे कैसे जाएँ और रोड कंडीशन सब कुछ। ये देखो अपनी गाड़ी पूरी लोड हो चुकी है, ये देखो आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये देखो ये अपना दो बंदों का सामान है, दो बंदे हो रहेंगे, जगह काफ़ी है, और ये खाने पीने का सामान पूरा, कुकिंग वगैरह हम रास्ते में करेंगे, उसका ही मज़ा है गाड़ी में, इसलिए जा रहे हैं बिकॉज कुकिंग वगैरह रिवर साइड मज़ा आएगा पूरा। और पीछे लेह लद्दाख का स्टिकर भी बना लिया था एक दिन में ही, बाकियों का भी सामान आ जाए फिर आपको अच्छे से दिखाते हैं। और ये आपको गाड़ी एक बंद करके दिखाते हैं, ये देखो ये अपनी गाड़ी, तो हमने ट्रिप कर दिया है जीरो और टंकी फुल है। तो ये है अपने रोड ट्रिप की मेन चीज़, इस पर ही हम कुकिंग करेंगे, और कुकूम है, और ये अपनी लोडिंग्स, इसमें पूरा खाना वगैरह है, और ये देखो ये गैस सिलेंडर अंदर और पूरा सामान, और ये अपने चार बंदे, ये लखवीर सिंह, कर्म कुमार, अभिषेक विनोद, मुझे को तो आप जानते हो। चलो तो टाइम देख लो, 11:30 हो चुके हैं, 11:30 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये करो बंद, ये देखो। तो हम सारे बंदे अभी आ चुके हैं कार में, अभी मैं तो लगा सोने, तो आपको सुबह मिलता हूँ, और जो भी बीच में कुछ भी हुआ वो आपको बताता रहूँगा, सुबह से आपको व्यू चालू होंगे जब तक हम जम्मू एंटर कर जाएंगे। अभी हम जम्मू कश्मीर एंटर कर चुके हैं, लखनपुर में है अभी हम, अभी भल्ले खाएंगे, यहाँ पर भल्ले बहुत फेमस है, जो भी यहाँ पर आ रहा है तो एक बार ज़रूर भल्ले ट्राई करना। अभी हम भल्ले और सिम ले रहे हैं यहाँ से, सिम मिल जाएगी यहाँ से, बिकॉज अपनी सिम्स वगैरह सब कुछ बंद है, यहाँ से भल्ले और सिम लेते हैं फिर निकलते हैं आगे को। ये आगे अपने भल्ले, चलो खाना शुरू करते हैं। रात के चले, अभी सुबेर हो चुकी है, और मौसम यहाँ पर काफ़ी ठंडा, बिकॉज बादल हो चुके हैं ऊपर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो रुके थे थोड़ी बहुत अंगड़ाई वगैरह लेने के लिए, और ये ब्रिज काफ़ी अच्छा लगा तो रुक गए फोटोज वगैरह क्लिक कराने के लिए। काफ़ी लंबा सीधा रोड है, देखो पीछे, अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम उठ चुके हैं दोनों, हम पीछे सोकर ही आए हैं, अभी रोड खराब हो चुका है तो इसलिए झटके में हमारी नींद खुल गई और हमने फेस वगैरह धो लिया, तो उठ चुके हैं और आपको व्यू दिखाते हैं बाहर का। ये देखो पहाड़ भी चालू हो चुके हैं, देखो पूरे रोड भी खराब है, रोड कंडीशन यहाँ पर, देखो पहाड़ चालू हो चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं टनल में, देखो अंधेरा कितना, लाइटिंग ही नहीं है यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ से होता है व्यू चालू, साथ में चल रही है हमारे नदी, और रोड भी एकदम मक्खन, पीछे थोड़ा सा खराब था रोड, 15-20 किलोमीटर का बैच खराब था थोड़ा सा रामबन वाला, अभी रोड भी बिल्कुल बढ़िया है, हम सब उड़ चुके हैं, मतलब हम दोनों, ये दोनों अभी टायर्ड हैं, ये सोएंगे अभी थोड़ा टाइम बाद। बाकी व्यू वगैरह काफ़ी अच्छा चेंज हो चुका है, मौसम वगैरह अभी ठीक है, यहाँ पर बाद उतरा था बादल वगैरह है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। बाकी साथ में नदी, ये शीशा थोड़ा गंदा है इसके लिए माफ़ी, और ये पहाड़ बड़े बड़े, ये ब्रिज से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, गाड़ी में आने का फ़ायदा तो काफ़ी है, वो भी आपको दिखाते हैं एक, ये देखो व्यू, ये चेक मारो और इधर चेक मारो, ओहो हो क्या ही व्यू है, वाह, ये देखो गाड़ी में आने का फ़ायदा, हम तो सोते हुए हैं ऐसे, ये देखो हम दोनों ऐसे सो जाते थे, और ये दोनों, और ऊपर से गाड़ी भी खुली डुली है, खुली डुली इनकी। तो सामने देखो बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से,
बस वहीं पर जाना है हमको, उसको क्रॉस करना है। कल शायद बर्फ मिल जाए हमें, आज तो नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी तो बर्फ भी आपको दिखा देंगे। आप बस बने रहने इस सीरीज में। यहाँ से श्रीनगर होगा अराउंड 70 किलोमीटर, पहले रास्ते में कहीं रुक कर खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पर रुके हैं शर्मा भोजन वाला के, यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी तो हमने भी रोक ली, खाना वगैरह खाते हैं और व्यू देख लो। बारिश होकर रटी है इसलिए हमने किए थे आलू प्याज के पराठे ऑर्डर और ये अचार इसके साथ खाएंगे, दही भी ऑर्डर किया वो भी आ जाएगा। और भी चाय पी रहे हैं हम, चाय पीने का असली मज़ा यहीं पर है। तो अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा गाड़ी में, हम तो सोते हैं दोनों जाने पीछे और सामने वाले दो जागते हैं, एक ड्राइवर एक साथ वाला जागते हैं। तो अभी खाना वगैरह खा लिया, अभी यहाँ से निकलेंगे श्रीनगर के लिए, श्रीनगर से सोनमर्ग, सोनमर्ग से कारगिल, बिकॉज अभी 10:30 हुए हैं सुबह के, तो देखते हैं वैसे कहाँ तक पहुँच हो सकता है, वहीं तक पहुँचेंगे बिकॉज हमने रास्ते में घूमना भी है। बाकी काफ़ी मज़ा है गाड़ी में, कंफर्टेबल थी, कोई थकावट कुछ नहीं हुई, अभी नींद वगैरह सब कुछ पूरी हो चुकी है। ये अपनी पीछे गाड़ी रही। रोड कंडीशन आपको वो बता दूं, बनिहाल से मतलब रामबान से बनिहाल तक रोड ख़राब है, बाकी पूरा एक नंबर रोड है, हाईवे है पूरा, बस वही पैच है जो टाइम लगता है जिसमें उसमें 1.5-2 घंटे लगे, वो बहुत ख़राब है, बाकी आगे पूरा रोड साफ है। तो बड़े प्यार से हम जा रहे हैं श्रीनगर की ओर, बस आधा घंटा और फिर हम होंगे श्रीनगर में, आपको डल लेक दिखाएंगे वहाँ की। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक ड्राइव करते करते? आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं, रुकते रुकते जा रहे हैं, खाते पीते जा रहे हैं। और ये देखो रोड देखो कितना ब्यूटीफुल जा रहा है श्रीनगर को, श्रीनगर को वैसे ही नहीं जन्नत कहते। तो देखो आपके सामने ही एकदम मलाई रोड पूरा, देखो ओहो ग्रीनरी, ऊपर से बड़े बड़े पहाड़, मौसम भी ठंडा ठंडा। ये देखो ये कुछ पहाड़ देखो कितना यार बढ़िया, और उसके पीछे बर्फ वाले पहाड़, बस आज ही आ जाए निक्कर का दिन, बाद में तो ठंड हो जाएगी, फिर कपड़े ज़्यादा पहनने पड़ेंगे, देखो सभी के फ़ोन बाहर हैं, वीडियो बना रहे हैं सभी लोग, और अपन भी वीडियो बना रहे हैं, ये देखो इसके फ़ोन में देख लो आप। अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में, तो अभी डल लेक जा रहे हैं, तो वही मैप लगा रखा है, अभी ट्रैफिक दिखा रहे हैं, 10 मिनट में हम डल लेक में होंगे, तो आपको डल लेक दिखाते हैं। वेलकम टू कश्मीर बेबी। तो ये हम पहुंच चुके हैं डल लेक, ये रही साइड पर डल लेक, ठीक है, और सामने बाढ़, ये जो मार्केट है साइड पर काफ़ी ब्यूटीफुल है, एक बार आपको इधर से दिखाते हैं, ये देखो डल लेक, ये पूरे बोट हाउस है, आप यहाँ पर स्टे वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर डीलर आपको रोड पर ही मिल जाएंगे, ये देखो ऐसे घूमते हुए आपको खुद ही पूछ लेंगे, आप उनसे हिसाब किताब लगा सकते हो कि कितने में मिलेगी, ये देखो फिर आपको बोट से लेके जाएंगे वहाँ पर। तो अभी डल लेक पहुँच चुके हैं, अभी गाड़ी पार्क करके आपको डल लेक दिखाते हैं। ये डल लेक 18 स्क्वायर किलोमीटर की है, काफ़ी बड़ी है, आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है, ये देखो इधर से देखो, ओहो क्या व्यू है, और ये सभी बोट हाउस है छोटे से लेके बड़े तक, प्रीमियम आपको मिल जाएगा, अगर आप नॉर्मल वाले में रहना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये लगा दी हमने अपनी गाड़ी, सामने डल लेक, घर नंबर 7 के सामने ही है पार्किंग, आप भी यहाँ पर लगा सकते हो। अभी हम पैदल पैदल चलते हैं डल लेक, बोटिंग वगैरह करते हैं फिर आगे निकलते हैं। तो ये रही डल लेक, ये देखो ऐसे बोटिंग वगैरह होती है यहाँ पर, और पब्लिक देख लो, और सामने का कुछ व्यू, अभी हम डल लेक में बोटिंग करेंगे, ये अपनी बोट, आ जाओ एक जना और ऊपर आ जाओ, ये देखो डल लेक, आ जाओ, क्या क्या बेच रहे हो? लेडीज का आइटम, जेंट्स का आइटम। तो अभी हम बोट में डल लेक घूम रहे हैं, और ये मेरा पार्टनर करण, दो लोग उस साइड बैठे, एक कैमरे के पीछे एक उससे पीछे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी और ये बेड आराम मिल रहा है, मज़ा एक बार जरूर करना आप भी। आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हो बोटिंग करते करते, आपको जो कुछ मिल जाएगा। तो आप बोटिंग करते करते यहाँ पर शॉपिंग खा वगैरह सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, वो आप पर डिपेंड आपने करना है या नहीं, ठीक है, चाय वगैरह खाने को, शॉपिंग वगैरह सब कुछ
आप कर सकते हो बोटिंग करते करते एंजॉय कर सकते हो पूरा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है पूरा। तो ये देखो अपनी गैंग एंजॉय करते हुए डल लेक में, ये देखो ये देखो, और ये मैं काफी मजा आ रहा है पीछे बड़े बड़े बाहर। ओहो क्या मजा है, जरूर करना यहाँ आकर श्रीनगर में बोटिंग जरूर करना ब्रो, ठीक है मजा आ रहा है काफी। और ये कुछ आपको मिलेगा, आपको मैंने पहले बता दिया ये सब, तो ये देखो अपने बंदे चिल कर रहे हैं, चिल ब्रो, तो एंजॉय कर रहे हैं हम काफी ज्यादा यहाँ पर, काफी मजा आ रहा है हमें। ये देखो तीन बंदे हम, एक कैमरा मैन, अपनी शक्ल भी भाई कैमरा बैक करके दिखा देना एक बार, गलत कर दिया कैमरा, कोई बात नहीं, बैक ही हुई दंदे ऑल द बेस्ट। तो अभी डल लेक से निकल चुके हैं हम, बोटिंग वगैरह की, और अभी हम जा रहे हैं सोनमर्ग, वहीं पर रुकेंगे, और मज़ा काफ़ी आया बोटिंग करके, एक बार ज़रूर करना हम चारों ने की, मज़ा आया काफ़ी, आपको दिखाया मैंने, बाकी बोट बढ़िया थी, कंफर्टेबल थी, मज़ा आ गया। अभी ये देखो यहाँ पर क्राउड, डल लेक में काफ़ी क्राउड है, यहाँ रहता ही है यूजली यहाँ पर क्राउड रहता ही है, और ये देखो बढ़िया इधर की साइड व्यू चेक मारो। अभी बस हम सोनमर्ग पहुंचने वाले हैं, यहाँ से है सोनमर्ग अराउंड 30-35 किलोमीटर, मतलब आधा एक घंटा लगेगा, वहाँ जाके कुछ खाएंगे अपना बनाएंगे, जो आपको सुबह दिखाया था कि हम सिलेंडर वगैरह लेकर आए हैं वो बनाएंगे, और ये भी उठ चुके हैं, पहले सो रहे थे अभी उठे हैं, इनको पता चल गया मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये साथ में ही उठ गए, नहीं तो इनको पता मैं वीडियो में ले लेता, पर इनको मैं बताना चाहता हूँ आपकी मैंने वीडियो पहले बना ली है, तो ये फिर से सो चुके हैं। ये देखो दूध वगैरह चाय बनाने के लिए ले लिए, और ये कप वगैरह चाय डालने के लिए, और ये प्याज मैगी के लिए, सब प्रेपरेशन हो चुकी है, बाकी मैगी अंडे वगैरह ब्रेड वगैरह सब कुछ हमारी इसमें है पीछे। तो यहाँ से ले रह चुका है 364, और सोनमर्ग 19 सोनमर्ग जाकर रुक गया, और शीशा जी टूट चुका है हमारा, नुकसान हो गया। तो भाई लोग देख लो, हम निकले थे आज, मतलब कल रात 11:30 बजे, सुबह ही लगा लो आधे घंटे बाद, 12 बजे लगा लो आप, 12 बजे निकले थे, अभी टाइम कितना हुआ है आपको टाइम दिखाता हूँ, देखो 3:44, तो देख लो ये बंदे दोनों सोए नहीं बिल्कुल भी, ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं, ये गाड़ी चला रहे हैं, ये साथ में उनको फोन चला दे रहे हैं। अभी हम सोनमर्ग पहुंच चुके हैं, लगभग पहुंच गए, एक आधा किलोमीटर बाकी है, और ये देखो पानी का फ्लो देखो, ये है नेचर। तो भाई लोग ये अपने हमने कुकिंग वाला सामान निकाल लिया, वो रहा अपना सिलेंडर, बाकी सामान वो निकाले, हम सोनमर्ग से थोड़ा सा पीछे हैं, मतलब सोनमर्ग में ही है लगभग, यहाँ पर साइड में कुकिंग करते हैं, मैगी और आमलेट वगैरह बनाकर खाते हैं, और कुक आपको पता ही है कौन है, मैं आपका अपना कुक, और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए मैंने जैकेट डाल दी, वो जैकेट ही थी बाहर, बाकी सामान सारा बैग में था, तो मैंने सोचा बैग क्यों खोलने, और ये मेरा सामान पूरा, और ये अपना गैस चूल्हा। तो ये अपनी चल रही है कुकिंग, बिकॉज उधर की साइड हवा बहुत चल रही थी, तो हम पत्थर के साइड पर आए हैं, उधर गैस बल नहीं रही थी, तो इधर हम बना रहे हैं, ये देखो शेफ अपने जल्दी जल्दी लगे हुए हैं प्याज काटने, अभी मैगी बनेगी तड़के वाली, चार बंदे मैगी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये देखो ये भी एडवेंचर ही है, एक अलग किस्म का एडवेंचर है, और देखते हैं टेस्ट करके कैसी बनती है, पहली बार ऐसे बना रहे हैं हम कैंपिंग की साइड, जल्दी जल्दी में बना रहे हैं हम, और बारिश होने वाली थी वो भी रुकी, देखो प्रभु अपने साथ है। तो और ये गया एक अंडा, और इसमें अंडे वाली मैगी, और एक बचा है चार अंडे, और चलो 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 लेट्स गो, ये गया अंडा एक और, मजेदार रंग देखकर अच्छी लग रही है, ये बन चुकी है हमारी अंडे वाली मैगी, देखने में ठीक लग रही है पर खाकर बढ़िया लगेगी मुझे पक्का पता है, अभी खाकर देखते हैं। ये देखो सोनमर्ग, यहाँ से व्यू देखो सोनमर्ग का, ओहो हो क्या ऐसा ही लग रहा है जैसे सीनरी देख रहे हो, देखो बड़े बड़े पहाड़, और मौसम भी काफी ठंडा हो चुका है यहाँ पर, जैकेट वगैरह निकल चुकी है, आगे आगे और ठंड होगी। वेलकम टू सोनमर्ग, नो माई गॉड क्या सीन है, क्या सीन है, इधर वाला और इधर वाला, वाह। तो ये नीचे को रास्ता जा रहा है बालटाल बेस कैंप को, हम सीधा ऊपर जाएंगे जोजीला पास को, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई,
अभी है 20-25 दिन, अराउंड 20 दिन। अभी हम जुजीला पास चढ़ रहे हैं और ये देखो जाम, पूरा जाम, पूरा जाम। अभी शुरू किया है चढ़ना और जाम बहुत ही ज़्यादा जाम, पता नहीं किस वजह से है पर जाम बहुत है। और पीछे भी ऐसे ही जाम, देखते हैं कितना टाइम लगता है और सामने का व्यू इंजॉय करते हैं हम, और आप भी करो। देखो ये देखो अपनी गाड़ी मस्त लग रही है और आगे जाम। ये देखो इतना सा रोड है, यहाँ से ट्रक निकलेगा आपके सामने है, बहुत मुश्किल होने वाला है। वो पूरा जमा हुआ है वाटर, अभी ठंड काफ़ी हो रखी है और मैंने भी जैकेट वगैरह पहन रखी है, बहुत ठंड है तो गाड़ी में ही बैठते हैं। वैसे शॉर्ट्स पहन के गाड़ी में पता नहीं चलता, अभी जैकेट पहननी है बाहर। हो मौसम ख़राब हो रहा है ऊपर, धीरे देखो आपके सामने बादल हो रहे हैं, बारिश और स्नोफॉल भी हो सकती है। ये कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर चला कर? मज़ा आ रहा है, विदाउट एनी ब्रेक सीधा अपने घर से कारगिल पहुँचेंगे हम। आ गया ट्रक, बैठते हैं गाड़ी में। ये देखो ट्रक पूरा पूरा है, ये देखो, चलो चलो चलो, बहुत जगह है। ये देखो, ये देखो ड्राइवर, देखो भाई जी ये है ड्राइवरी, पूरी पूरी जगह थी यहाँ से तो आधे बंदों की हवा निकल जाए एल्टो निकालने में, ये ट्रक निकाल रहे हैं। ये देखो हमारे साथ में ही है, चलो 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 चलो, निकल गया एक ट्रक तो, गया दो तीन ट्रक का निकल जाएंगे फिर क्लियर है। वो सामने जो झीला ही है वो सामने आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जो झीला है। चलो ये देखो कितनी सी जगह है, ये देख लो, गुड जॉब ब्रो, कम ऑन यू कैन डू इट। चलो अपनी गाड़ी, ये अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई। ये देखो मौसम कितना गंदा हो चुका है और रोड पूरा खतरनाक डेंजरस रोड है पूरा। ये देखो मौसम पूरा खराब और रोड ऊपर से बहुत ही ज्यादा डेंजरस, बहुत ही ज्यादा डेंजरस बड़ी गाड़ी के लिए। अगर छोटी गाड़ी हो फिर कोई इश्यू नहीं है, बड़ी गाड़ी के लिए बिकॉज सामने से कोई गाड़ी आ जाती है ना तो गाड़ी निकलती बहुत मुश्किल से है, तो बहुत ही डर लगता है भाई, लोग क्या करें। अभी संभाल संभाल के महादेव का नाम लेते लेते जा रहे हैं हम लोग। देखो पीछे मौसम देखो मेरे, ओ वाह अभी मुझे लगता है कि स्नोफॉल होने लग जाएगी, लग रहा है जैसा मौसम हो रखा है उधर भी देख लो पूरा। ये देखो बर्फ की कितनी बड़ी ऊंची वॉल है, कम से कम 20-25 फुट की, और सामने बर्फ पूरी और पीछे बर्फ वाले पहाड़। ये सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, देखो बारिश चालू हो चुकी है, अभी मैं गाड़ी में बैठता हूँ। ये अपनी गाड़ी, तो कोई भी जिंदगी में आप पास करना चाहते हो तो कोई भी इजी नहीं होता। देखो अभी बारिश चालू हो चुकी है और ये देखो भीड़ों ने जाम लगा रखा है, गाड़ी चल ही नहीं रही आगे, देखो वैसे ही स्टक हुए पड़े हैं और बाहर बारिश। तो अभी हम जुजीला पास पहुंच चुके हैं, वहां रुककर एक गाड़ी फोटो कराते हैं बिकॉज बारिश हो रही है, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। और स्नो देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पर लेयर्स है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी है बाहर। अभी निकलते हैं यहाँ को, यहाँ से जुजीला पास क्रॉस करते हैं, द्रास चलते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं द्रास में बनाए या कारगिल में। तो हम पहुँच चुके हैं जुजीला पास, 11,649 फीट पर है, ले यहाँ से 326 है, कारगिल 96 वहीं पर जाना है। बारिश हो रही है तो फोटो वगैरह कुछ नहीं, तो चलते हैं गाड़ी में जल्दी जल्दी। तो अभी जुजीला क्रॉस कर रहे हैं हम, बस बारिश बहुत है, यहाँ पर रुके नहीं हम। ये देखो बोर्ड यहाँ पर जुजीला पास, निकलते हैं यहाँ से। और स्नोफॉल देखो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हुई है, ये गेट अभी न्यू बना है, पिछले साल नहीं था जब हम पिछले साल आए थे। और ये देखो बाइकर्स भाई साहब, इनको भी सलूट है बारिश में चलानी बाइक ऊपर से इतनी ठंड में, ओहो सलूट है भाई। अभी जुजीला उतरते हैं फिर मौसम ठीक हो जाएगा शायद। ओह माय गॉड, वेलकम टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल, ले यहाँ से 313, द्रास है 25 किलोमीटर और कारगिल है 84 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी व्यू देख लो आप एक बार, पहाड़ पहाड़, ये हम सबके लिए न्यू है, चारों के लिए न्यू है सब कुछ। और मौसम भी ठंडा हो चुका है, अभी देखते हैं भाई से बात करके कि कहाँ रुकना है, द्रास में या कारगिल में, बिकॉज रोड कंडीशन हमें पता नहीं कारगिल तक। अगर ऐसी साफ हुई तो एक घंटे का रास्ता, अगर ख़राब हुई तो 3 घंटे लग सकते हैं, आपको ही पता है, ठीक है। हम फर्स्ट टाइम है तो
पता नहीं होता ना, तो देखते हैं क्या बनता है और गाड़ी की कंडीशन देख लो एक बार। तो भाई लोग व्यू एंजॉय करो आप लोग, हम तो कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करो हमारे साथ, ऐसा लगना चाहिए कि आप भी हमारे साथ ही हो। देखो सूखे सूखे पहाड़ चालू हो चुके हैं, तो सामने भी आपको लगाते हैं, यहाँ पर रुके थे फोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए, व्यू देखो और ये अपनी गाड़ी, तो अभी फोटो वगैरह क्लिक करवा ली है, तो चलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी में। फोटो वगैरह आ गई बढ़िया, ये देखो व्यू काफी शानदार था और अंधेरा होने वाला था, तो सोचा फोटोस करवा लेते हैं, काफी बढ़िया व्यू था। तो अभी हम दराज से निकले थे जस्ट कारगिल के लिए, और जस्ट क्रॉस करते ही कारगिल वॉर मेमोरियल आ चुका है, तो अभी ये बंद है, ठीक है, हमें पता नहीं था यहाँ पर, हमें लगा कारगिल में। तो ये ओपनिंग टाइम इसकी सुबह 6 से 7 बजे तक है शाम के, अभी बंद है, तो अभी हम कारगिल ही जा रहे हैं, बिकॉज जैसे हमने प्लान किया है उस हिसाब से ही चलेंगे, बिकॉज नहीं तो अगर यहाँ रुके तो एक दिन कम पड़ जाएगा हमारे लिए, तो पूरे डे के हिसाब से हम देखते हैं। अभी प्लानिंग तो ऐसी है कि कारगिल ही चलते हैं, बिकॉज हमने जो प्लान किया, बिकॉज 8 दिन का ट्रिप हमारा पूरा पूरा प्लान है, एक दिन में यहाँ, दूसरे दिन में यहाँ, तीसरे दिन में यहाँ, तो अगर यहाँ द्रास में रुक गए तो काम ख़राब हो जाएगा। बाकी आपको मैंने सामने से दिखा दिया, ऐसा कुछ है कारगिल वॉर मेमोरियल, अंदर जो भी शहीद हुए थे कारगिल वॉर में उनकी नेम प्लेट्स वगैरह है कुछ है, तो यहीं से आप देख लो। बाकी जय हिंद है हमारी तरफ से भी, वो इंडिया का फ्लैग ये देख लो। तो चलते हैं अभी, अभी ये लगा दी अपनी गाड़ी, कारगिल पहुंच चुके हैं हम और होटल्स वगैरह देखने गए हैं, तो देखते हैं कौन सा होटल पसंद आता है, तो आपको होटल दिखाते हैं। ये अपनी गाड़ी कंडीशन आपको पास से दिखाता हूँ, गाड़ी देखो छिट्टे देखो कितने मिट्टी के कितने ऊपर ऊपर तक पड़े हुए हैं, पूरा शीशा है गंदा, ये कल साफ़ करूँगा मैं थोड़ा बहुत, ये देखो पूरी गंदी हो चुकी है। तो दोस्तों अभी रूम ले लिया, अभी हम सोने जा रहे हैं, बाकी एक दिन का मैं एक ही व्लॉग बनाऊँगा, अगर दो बन ज़्यादा लंबा हो गया तो दो पार्ट में कर दूँगा, बाकी कोशिश तो यही रहेगी कि एक बनेगा। बाकी आज डे फर्स्ट था तो कल डे सेकंड, ऐसे ही जितने दिन रहे उतने व्लॉग्स आएंगे, बाकी सपोर्ट करना और देखते रहना लद्दाख सीरीज़ पूरी।